अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चिकन हाउस मिनी पोल्ट्री फार्म। तो हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी अपने चूज़ों को मुर्गियों का पोटा चलाने का तरीका, अगर वो खाना ना खाते हो तो। ये देखें, अब ये मैं अभी इंटर हुआ हूँ तो ये फुल खाने के इंतज़ार में है, क्योंकि इनका मैदा जो है इस टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इनका मैदा चल रहा है। और जब ये नए नए आए थे तो आपके सामने था, हमने आपको दिखाया था इस यूट्यूब चैनल पर, आपको हम चूज़े पालने के तरीके, मुर्गियां रखने के तरीके, अपना एक्सपीरियंस और जो हमें कभी लॉस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें कितने एक्टिव हैं और ये फुल इंतज़ार में है इस टाइम, क्योंकि मैंने आपको इनका इलाज बताया था कि अगर मुर्गी या चूज़ा दाना ना खाए तो हम उसका मैदा कैसे चला सकते हैं। सबसे पहला स्टेप था चिकन फ्लशिंग। चिकन फ्लशिंग बहुत ज़रूरी होती है अपने मुर्गियों को पालने के लिए। अगर आप मुर्गियों को सेहतमंद तरीके से, अच्छे तरीके से पालना चाहते हैं तो आपने चिकन फ्लशिंग लाजमी करनी। चिकन फ्लशिंग एक्चुअली होता क्या है? चिकन फ्लशिंग होता है इनका मैदे की सफाई कर देना, इनका जो अंदर गंद वगैरह जमा है वो साफ़ कर देना। चिकन फ्लशिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें। पाउडर से भी हो जाती है, गुड़ वाला पानी देने से भी हो जाती है, और उसके अलावा अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी को पानी में बनाकर महलूल गर्म पानी के अंदर उसको अच्छी तरह हल कर लें और वो इनको 5 घंटे तक इनके सामने पड़ा रहने दें, ठीक है। और खाना हम मुख्तलिफ जगहों पर डाल देते हैं ताकि कुछ सुस्त चूज़े होते हैं उनको खाना नहीं मिलता तो वो अलग होकर खा लें। आपने भी इन बातों का ख्याल रखना होता है। तो अगर आप कामयाबी के साथ अपना पोल्ट्री फार्म या चिकन्स को अपना पालना चाहते हैं तो आपको इनकी हरकत और सकनात पर गौर करना होता है। हर नुस्खा हर टाइम आजमूदा नहीं होता। हमने सबसे पहले इनका देखना होता है, हमने इनको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, मौसम की सूरत हाल कैसी है, और उसके अलावा इनके बिट्ठे कैसी कर रहे हैं, सुस्त चूज़े कौन से हैं, एक्टिव चूज़े कौन से हैं, किसकी खुराक सही जिसको मिल रही है, किसको खुराक सही नहीं मिल रही, इन चंद बातों का हमने ख्याल लाजमी तौर पर रखना होता है अगर आप कामयाबी से अपनी मुर्गियों और चूज़ों को पालना चाहते हैं। बाकी इससे पहले मैंने चिकन फ्लशिंग की बात की। चिकन फ्लशिंग की एक बेहतरीन और आजमूदा नुस्खा है आपके लिए, क्योंकि इनका मैदा साफ़ होना और बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप चूज़े लाते हैं तो पहले 2 दिन आपने अगर उनके बिट्ठों के अंदर पानी है भी तो आपने उसका परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि हो सकता है वो सफ़र करके आए हैं और जिस और पहली दफ़ा उन्होंने खुराक खाई है जिसकी वजह से उनको डायरिया जैसी अलामत हो सकती हैं। लेकिन अगर ये अलामत जारी रहती हैं तो आप चीनी के अंदर पानी मिला के उसको बॉयल कर लें और इनके सामने 5 घंटे तक पड़ा रहने दें, उससे इनका मैदा साफ़ हो जाएगा। और माजरत, ये पीछे काम हो रहा है जिसकी वजह से मशीन की आवाज़ अंदर आ रही है। अच्छा, तो उससे क्या होगा, इनको फौरी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी वो पानी पीने से, और दूसरा इनकी आंतड़ियाँ, इनका पोटा जो है वो साफ़ हो जाएगा। अब इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि चीनी के अंदर हम जानते हैं ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि फौरी तौर पर इनको एनर्जी मुहैया करता है। जब आपने इनके सामने चीनी वाला पानी रख देना है तो आपने ख्याल करना है कि देखना है कि कौन से बर्ड्स जो हैं अपने आप पी रहे हैं, और जो बहुत सुस्त हैं चूज़े आपके जो नहीं पी पा रहे उनको आपने किसी ड्रॉपर या किसी सिरिंज की मदद से आपने खुद उनके मुंह में फीड कर देना। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि हो सकता है उनको थोड़ी बहुत दोबारा से बिट्ठे उनकी पतली होना शुरू हो जाएँ, तो वो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उनको हज़म करने में मसला हो जाता है। लेकिन यह कि उनकी सेहत बहाल हो जाती है, उनका जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है। अब ये इनमें देख लें आप, ये देखें इस मुर्गे के अंदर शाइन चेक करें आप। और जब ये आया था मैंने आपको तब भी इसकी हालत दिखाई थी कि कैसी हालत थी, और ये हमने केजी के हिसाब से परचेज़ किया था बायर फेरी वाले से। देखें इसकी चमक देखें, और ये चमक लाने का तरीका, आपने इनको ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल करना है, सब्ज़ पत्ते जिसे हम कहते हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, शहतूत के पत्ते, और ये तो नीम के पत्ते तक भी खा जाते हैं, इनका इतना मैदा चल रहा है इस टाइम। नीम के पत्ते अलग कड़वे होते हैं, ये वो भी नहीं छोड़ते। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का और ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल करने से इनके परों में शाइन आ जाती है, और इनके अगर मैदे में कीड़े नहीं होंगे तो इनकी शाइन बरकरार रहेगी। ये मुर्गा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसने बाकी सारे मुर्गों की मात मार के रखी है। देखें इसकी दुमनी है। अब इसको क्या है, इसको इंसानों वाला मसला है थोड़ा सा, जैसे हम लोगों को हो जाता है, इसको जैलसी होना शुरू हो जाती है कि बाकी कोई भी मुर्गा खूबसूरत नज़र ना आए, सिर्फ मैं यहाँ डॉन लगूँ और मेरे साथ ही जो है ना मुर्गियाँ ब्रीडिंग करें, मैं यहाँ का शहनशाह हूँ। देखे इसने सारों की दुमे खींच दी, बाकी सारे मुर्गे इस अकेले ने, ये भी एक मुर्गा है, ये देखे इसने लूडा किया हुआ, ये मुर्गा है, ये इसने लूडा किया हुआ, किसी को नहीं छोड़ता, और अपनी इसके काम चेक करें कैसे खूबसूरत है। ये चाहता है बस मैं ही रहूँ यहाँ, और मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक सील मुर्गा ला के छोड़ो, इसकी तबीयत फ्रेश हो जाए, क्योंकि इसने बाकी सारों का जीना मुहाल किया। अभी ये छोटे हैं, ब्रीडिंग पर नहीं आए,
लेकिन फिर भी इसने सबकी सेटिंग करके रखी है कि कोई और यहाँ मेरे जैसा ना नजर आए, सिर्फ मैं ही लगूँ शाहरुख खान। तो बाकी मज़ीद आपको ये टिप देता हूँ कि अगर आपकी मुर्गियाँ चूज़े खाना नहीं खा रहे तो आप उनको सॉफ्ट फूड दें ताकि वो थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे, आप उनको ठोस गज़ा ना दें जैसे दाने हो गए, फीड हो गई, वो नहीं खाएंगे क्योंकि उनका मैदा पहले ही रुका है। आप उनको नरम गज़ा दें जैसे टुकड़े, ताज़ा रोटी या फिर आटा थोड़ा सा मिक्स करके उसको हम इस तरह उसके बना लेते हैं मोती मोती से, या फिर टुकड़ों को रोटियों को पानी में भिगो के दें ताकि उनको जल्द हज़म खुराक मिलेगी, वो जल्दी हज़म कर लेंगे। और ये ग्रीन वेजिटेबल ये देखें, ये नीम के पत्ते हैं और देखें कैसे खा रहे हैं। हालांकि नीम के पत्ते बड़े कड़वे होते हैं, बकरियां तक भी नहीं खाती इसको, बकरी का मशहूर है कि जो चीज़ उसके आगे फेंको वो खा जाती है। तो ये भी वही चीज़ है समझ लें, इनको भी हम हर चीज़ डालते हैं। अखराजात हमने बड़े कंट्रोल किए हुए हैं अपने, हम इस तरह ही बाहर से, हमारा इर्द गिर्द का जो एरिया वो ज़्यादातर देहाती इलाका है तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें मुयसर हैं, खुला एरिया भी मुयसर है, लेकिन हमारा सेटअप माशाल्लाह यहीं इतना खुला है कि हमें बाहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक मुर्गी हमारी डीली है, इसका हमने इलाज करना है और आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी बीमारी की तशखीस कर रहे हैं और इसको अभी फ़िलहाल अलग कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि आपने नज़र रखनी है, आप मौके के हिसाब से इनका इलाज शुरू करना है। अगर आप कामयाबी से पालना, आपको पता होना चाहिए कि इसको रानी खेत की बीमारी है, इसको बुखार है, इसको चिकन पॉक्स है, इसका मैदा रुका हुआ है, उसके हिसाब से आपने इनका इलाज करना होता है, इनकी बिट्ठों का इलाज करना होता है। बिट्ठों में ज़्यादा पानी ना हो, पतली ना करें, मोशन ना लगे हों, डायरिया ना हो, इन्हें खुराक इनकी ठीक हो, इनके परों में शाइन हो, इनकी कलगी रेड कलर की हो। कलगी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि कलगी का क्या फ़ायदा है, इनको हीट से कैसे बचाना है, ये सारी वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें जो आप, जो आपको लगता है कि हमारे फॉर्म पे जो है छोटे से फॉर्म में ये गलतियाँ हैं, आप ये काम ठीक नहीं कर रहे तो आप काइंडली बता दिया करें। पहले हम खाना इनको अंदर डालते थे, अंदर कच्ची जगह थी, बंद था, सूरज की रोशनी नहीं जाती, इसके बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती थी। अब हम ये ट्रे रख लेते हैं, इसका बहुत फ़ायदा हमें, ट्रे के ऊपर रहता खाना, जितना खा लेते हैं ठीक है, जो बच जाता है हम इसको धो देते हैं। एक ये ट्रे है और एक ये ट्रे है, ये पिंजरे के साथ ही हमें मिली थी, तो उसके नीचे होती हैं जो तोतों का पिंजरा होता है, वो हमने संभाल के रखी हुई थी। तो इस तरह से स्मेल पैदा नहीं होती और खाना भी नीचे ज़मीन से मिट्टी लग के गंदा नहीं होता, और ये मट्टी वाला खाना ये वैसे ही पाँव से ख़राब करके फिर खाते नहीं हैं, खाना बहुत ज़ाया हो जाता है इनका।